गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड बात करते हैं आज फिजिकल एजुकेशन से। अपना जो चैप्टर है 10th कंटिन्यू है। आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग देखिए, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना? हम रोज सीखते रहते हैं, एवरी आवर एवरी मिनट कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो लर्निंग से बेसिकली हमें नॉलेज मिलती है, हम नई चीज़ों को सीखते हैं, बेसिकली मॉडिफाइंग करते हैं अपने आप को, रीइंफोर्सिंग मैं कह सकता हूँ ये करते हैं, और बिहेवियर में भी चेंज आता है, स्किल्स नए नए स्किल्स सीखते हैं, तो ये सब होता है लर्निंग में। वैल्यूज भी हम सीखते हैं, तो लर्निंग से सभी कुछ सीखते हैं हम। अब लर्निंग कैसे आती है भाई? लर्निंग लाइक व्हाट आर द वेज जिनको यूज करके हम लर्न करते हैं भाई? कोई चीज़ देख के, वॉच करके, लिख कर, बाय राइटिंग, रीडिंग, वॉचिंग, बाय एक्सपीरियंस, है ना? सो अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, इन सबको देख के हम लर्न करते हैं, ठीक है? सो जब हम लर्न कर लेते हैं और हम लर्न जब करते जाते हैं तो हमें एक बिहेवियर में एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ जाता है हमारे बिहेवियर में लर्निंग से, ठीक है? सो लर्निंग को थोड़ा और जानते हैं तो लर्निंग के बारे में एक थॉरनडाइक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कल लर्निंग लॉज बताए, तो उन लॉज के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि लर्निंग के नियम क्या है, ठीक है? तो अभी तक मैंने थोड़ा सा आपको लर्निंग का एक बेसिक बताया कि लर्निंग क्या है, है ना? तो जो एक साइंटिस्ट हुए हैं थॉरनडाइक, उन्होंने कुछ लर्निंग के नियम बताए हैं जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और बाद में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है? थॉरनडाइक ने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, टाइम बचेगा तो आज ही हम विल डिस्कस। सो देखते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है थॉरनडाइक के लिए। एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए, सो प्लीज गो थ्रू इट वेरी केयरफुली। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस बहुत सिंपल है। अगर मैं एक सेंटेंस में इसको बताना चाहूँ तो आई कैन से कि देखिए, लर्निंग तब और इजी हो जाएगी अगर हम एक इंडिविजुअल उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, देन लर्निंग विल बी मोर इफेक्टिव, इज इट? एंड मोर क्विक भाई। रेडीनेस मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। रेडीनेस है लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब ठीक है, समवन इज गिविंग अस, सम इज ट्राई टू टीच अस, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बट नो, वी आर नॉट विलिंगली रेडी टू एक्सेप्ट दैट। दैट मीन्स हमको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार होना पड़ेगा, देन ओनली द लर्निंग विल बी इजीली ट्रांसफर एंड इट विल बी इफेक्टिवली, ओके, अंडरस्टैंड? सो रेडीनेस, देन द पर्सन, द इंडिविजुअल शुड बी रेडी इन ऑल द एस्पेक्ट्स, फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं, फिजिकली आ जाते हैं, बट मेंटली दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, कहीं और ही घूम रहा है उनका दिमाग, समवेयर एट होम, इन द मार्केट और लाइक व्हाटएवर। सो वहाँ पे लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, है ना? या जब हम ग्राउंड में भी खेल रहे हैं तो ठीक है, फिजिकली वी आर देयर, बट मेंटली आइदर वी आर नॉट ओके, बट ठीक है, हमारे माइंड में वी आर लाइक सराउंडेड बाय सम एंजाइटी, वरीज एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे भी लर्निंग ठीक से नहीं आएगी। सो थ्योरेटिकल पार्ट है, देखिए इसमें मुझे थ्योरी बतानी है। सो यहाँ पे जो वर्ड है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि इंडिविजुअल जितना अच्छे से अपने आप को रेडी रखेगा लर्न के लिए, लर्निंग के लिए,
लर्निंग उतनी इजी ट्रांसफर होगी और इफेक्टिव होगी, यही बता रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए ये भी सिंपल वर्ड है, एक्सरसाइज अभ्यास। भाई देखिए कुछ चीजें हम एक्सरसाइज से सीखते हैं, लर्न यहां पे एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं है, मतलब हम अभ्यास करके सीखते हैं। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सो द मोर वी विल एक्सरसाइज, द मोर वी विल प्रैक्टिस, द लर्निंग विल बी इफेक्टिव, द मतलब मोर विल बी द लर्निंग। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, लर्निंग विल बी इजी, द ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग विल बी इजी। भाई देखिए मान लो किसी को साइकिल चलाना सिखाना है, लर्न कराना है उसको, साइकिल साइकिलिंग सिखाना है, तो इनिशियली वो ठीक है, अब वहाँ जितना वो प्रैक्टिस करेगा सेल्फ या किसी की हेल्प लेके, उतना ही लर्निंग फास्ट ट्रांसफर हो जाएगी, उतना इजीली वो सीख पाएगा, ठीक है। अब ठीक है थ्योरी तो बता दी साइकिल की, भाई साइकिल में आपको सीखने के लिए आप अपनी बॉडी को टाइट ना करें, हैंडल को पकड़ना है, आपको फॉल नहीं होना है, इंजरीज नहीं होनी चाहिए आपको, आप जब इनिशियली सीखें तो ऐसा प्लेस हो कि जो फ्री फ्रॉम अवे फ्रॉम द क्राउड हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो रोड पे, या कोई मतलब कोई गांव का ऐसा रोड हो जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो, और कोशिश करेंगे अब हार्ड सरफेस भी ना सीखें ताकि बाई मिस्टेक इफ़ यू आर लाइक फॉलन तो आपको इंजरी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थ्योरिटिकली बता दूँ उसको साइकिल सीखने वाले को, बट टिल द टाइम ही विल नॉट प्रैक्टिस ही इज नॉट गोइंग टू लर्न। द मोर ही विल प्रैक्टिस द मोर विल बी थिंग्स इजी फॉर हिम। सो यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करोगे प्रैक्टिस करोगे लर्निंग विल बी इफेक्टिव और लर्निंग विल बी इजी, ठीक है, बहुत आसान है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा देखते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। सो देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है कि जिसको जो इंडिविजुअल जो लर्न कर रहा है और जो चीज उसको सिखाई जा रही है, अगर वो इफेक्टिव है, मतलब उस पर एक तरह से असर कर रही है, तो लर्निंग विल बी फास्टर, लर्निंग विल बी इजी, है ना, लर्निंग विल बी स्ट्रॉन्गर वी कैन से, ठीक है भाई, ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स को हमने एक मैथ का एक क्वेश्चन दे दिया करने के लिए, हमने समझा दिया, अब हमारा हमने जब उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन करेगा, अब क्वेश्चन करेगा तो उसको एक और एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूं या मैं सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर दूं। तो वहां पे बात हो रही है लॉ ऑफ इफेक्ट कि कितना इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, हम बता तो रहे हैं लेकिन अगर उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, तो ही विल नॉट टेक इंटरेस्ट, ही विल जस्ट क्विट फ्रॉम दैट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ इफेक्ट कि जो भी चीज़ कोई सीख रहा है इंडिविजुअल, वो कितना बेसिकली उससे अफेक्ट है, कितना वो प्रभावित हो पा रहा है, कितना वो उसको अडप्ट कर पा रहा है या सीख पा रहा है, उसी को लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि इफ द रेस्पॉन्सेस आर सेटिस्फाइंग द सब्जेक्ट, है ना, जो रेस्पॉन्सेस हैं इफ दे आर सेटिस्फाइंग द सब्जेक्ट्स सो द लर्निंग विल बी ईजी, एंड इन रिवर्स केस अपोजिट केस इफ द रेस्पॉन्सेस आर नॉट सेटिस्फाइंग द सब्जेक्ट्स देन बेसिकली इलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। सो ये कंक्लूजन निकला लॉ ऑफ इफेक्ट का, तो आई होप और क्लियर बुक में जाएंगे तो आपको थोड़ा हार्ड ही लगेगा, बट मैंने बहुत ही सिंपल वे से बता दिया है। अगर आप इन वर्ड्स को देखें, तीन ही वर्ड है, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, सो यू कैन इजीली एनालाइज, यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट इज दीज वर्ड्स मींस। सो थोरनडाइक्स जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बताए हैं, तीन लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, बहुत ईजी है। आई होप दिस ऑल थ्री लॉज, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग पूरा कर लेंगे इस क्लास में, थोरनडाइक का जो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है उसमें भी थ्री लॉ है, प्राइमेसी, रिसेंसी और इंटेंसिटी, ठीक है, इनको देख लेते हैं।
जो प्राइमेसी जो लॉ है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग फॉरेंडाई का, वो बोलता है कि जो लर्निंग की जो बिगिनिंग है किसी स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक काम के लिए, दैट शुड बी करेक्ट। बोलते हैं ना फर्स्ट लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मींस जो फर्स्ट टाइम किसी चीज को अगर वो लर्न कर रहा है तो दैट शुड बी करेक्ट, अदरवाइज इट इज इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू लाइक टू मेक इट करेक्ट। माई मीन टू से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम किसी को साइकिल सिखा रहे हैं, फिर से साइकिल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो साइकिल पे हमने उसको बिठा दिया, हम हेल्पर रहे हैं, हम उसको लर्न करा रहे हैं, साइकिल सिखा रहे हैं, हमने पीछे से साइकिल को होल्ड किया हुआ है ताकि वो बैलेंस बनाए रखे, बट बाई मिस्टेक ठीक है हमने साइकिल छोड़ दिया, वो थोड़ा सा आगे चला और फॉल हो गया, गिर गया। सो वहाँ पे जो उसकी बिगिनिंग थी दैट वाज द इनकरेक्ट, वहाँ पे जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन था इनकरेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बहुत ज़बरदस्त फियर क्रिएट हो जाएगा, डर बैठ जाएगा, एंड देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम टू लर्न द साइकिल। बाद में वो साइकिल पे बैठने से बोलते ना कतराएगा, बाद में हम उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, हम विश्वास क्रिएट कर दें कि नहीं मैं आपको होल्ड करके रखाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डोंट वरी आई एम हेयर विद यू एंड यू विल नॉट फॉल, बट आई थिंक वो फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज जो उसका फर्स्ट टाइम जो लर्निंग था वो इनकरेक्ट हो गया, जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो इनकरेक्ट हो गया, और अब वो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो साइकिल नहीं सीखेगा, सीखेगा, बट इट विल टेक टाइम। सो वहाँ पे जो लर्निंग है इट्स नॉट सो इफेक्टिव। सो यहाँ पे ये लाइक द मिस्टर थॉरनडाइक ट्राई टू एक्सप्लेन अस, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट जो इनिशियली फेज पे जो लर्निंग है दैट शुड बी इन द करेक्ट वे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज, सो नेक्स्ट है रिसेंसी, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है रिसेंसी। सो रिसेंसी का मतलब है कि द रिसेंटली थिंग्स वी लर्न आर लाइक मोर रिमेम्बर्ड, हम जो अभी लेटेस्ट चीज़ें जिनको हमने सीखा है उनको हम ठीक से याद कर पाते हैं। मान लो हमने कोई चीज़ 20 साल पहले सीखी, देन इट बिकम्स क्वाइट हार्ड टू रिमेम्बर दैट रेदर टू कंपेयरिंग एनी थिंग विच वी लर्न लाइक कुछ बहुत रिसेंटली हमने सीखा है ना भाई, उस वही तो चीज़ है, फिर हम उसकी फिर से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने मान लो 20 साल पहले स्विमिंग सीखी थी, अब 20 साल पहले हमने स्विमिंग सीख ली, वी वर गुड स्विमर, लेकिन पिछले 20 ईयर्स से हम स्विमिंग कर ही नहीं कर, मतलब स्विमिंग ही नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू स्विमिंग पूल, है ना, हम लाइक 20 साल से हमने स्विमिंग छोड़ी हुई है अभी, देन लाइक इट रियली बिकम्स डिफिकल्टी फॉर अस कि भाई पता नहीं, देर विल बी थाउजेंड्स डाउट्स इन आवर माइंड कि आई डोंट नो वेदर आई विल बी ओके इन द स्विमिंग पूल, कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज 20 ईयर्स बैक मैं 10 लैप्स मारता था स्विमिंग पूल की 50 मीटर की, आई डोंट नो वेदर आई विल बी ओके और नॉट ओके देयर इन द स्विमिंग पूल, सो लॉट ऑफ डाउट्स विल बी अराइजेज इन आवर माइंड। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो रिसेंटली वट एवर वी लर्न दैट इज लाइक मोर मेमोराइज, जिसको हम ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं कंपेयरिंग टू द जो बहुत पहले कोई चीज़ हमने सीखी हो। बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट हिंदी में ही मैं बता रहा हूँ, सो प्लीज़ गो थ्रू। सो नेक्स्ट है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का बड़ा बोलते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लर्निंग, की इंटेंसिटी अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी होगी, इंटेंसिटी अगर लो होगी तो लर्निंग भी लो होगी। बहुत सिंपल है, या इंटेंसिटी का मतलब ये है कि द मोर इंटेंस द मटेरियल टॉट मोर लाइकली इट विल बी रिटेन्ड भाई, या मैं इसको और इस तरह से बताऊं कि जैसे जो जितना क्लोज बेसिकली हम रिलेशन में सीखेंगे चीज़ों को तो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, लर्निंग विल बी टेक प्लेस लाइक इफेक्टिवली स्ट्रॉन्गली, है ना, एंड इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी की, द मोर इंटेंसिटी द मोर लर्निंग विल टेक प्लेस। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्लियर कर दिया है थॉरनडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसमें प्राइमरी रिसेंसी और इंटेंसिटी था, एंड हमने जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को भी बता दिया। सो आई होप दीज ऑल सिक्स लॉज, थ्री लॉज फ्रॉम द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के थे और थ्री लॉज फ्रॉम द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग के, आई होप दीज ऑल सिक्स लॉज आर क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, डियर स्टूडेंट्स स्टे सेफ एट होम एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। मैं एवरी क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज द टाइम।
है ना। लाइफ इजी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन द 11th क्लास एंड नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन द 12th क्लास एंड 12th क्लास इज द बेस क्लास ऑफ योर लाइफ। 12th क्लास इज डिसाइडेड वेयर यू वांट टू गो, विच वर्क, विच जॉब यू वांट टू चूज, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्कोर गुड परसेंटेज एंड यू हैव टू लाइक प्रिपेयर योर सेल्फ। इट्स नॉट ईजी, लाइक नॉट कंपेयर विद 9th और 10th क्लास। 11th is the like foundation base class of the 12th class, both are connected. So if you are good in the 11th class, then only you can score nice percentage in the 12th class. So bhai please do not waste time and apni jadon ko mazboot karo. I am telling you, if you have really capability, there are a lot of jobs you can very well choose them and you can very well like can fight yourself and you can become a nice officer in any job. So I do not want to give you a big lecture. Have a great day.